ডুয়ার্সের চা বাগানে গণধর্ষণের ঘটনা, গ্রেপ্তার পাঁচজন। ডুয়ার্সের মালবাজার থানার অন্তর্গত একটি চা বাগানে গণধর্ষণের ঘটনা, নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে নির্যাতিতা তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে। তার বন্ধুর সঙ্গে আরও দুজন ছেলে ছিল। এরপরই তারা সবাই মিলে একটি চা বাগানে যায়। চা বাগানে আরও দুজন বিয়ারের বোতল সহ তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে। একসঙ্গে বিয়ার খায়। নির্যাতিতা সেখানে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে। জ্ঞান ফিরলে দেখে তার 18,000 টাকা, হাত ঘড়ি, গায়ের পোশাক নেই। বুঝতে পারে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। এরপরই মাল থানায় অভিযোগ জানায় নির্যাতিতা। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সমীর পান্না, রাহুল কেরকাট্টা, অনুরাজ বাড়া, সুদেশ বাগওয়ার, শাহিদ তুর্কি নামে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। সেই পাঁচজনকে আজকে কোর্টে তোলা হলে তাদেরকে 14 দিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয়েছে বলেই জানা গেছে। মহিন্দর ভাই দেখনি মে আয়া কি বিতে কাল জো হে মাল প্রখণ্ড কে জো হে এক চাই বাগান মে এক ইউবতী কে সাথ মে জো হে গ্যাংরেপ করনে কা গ্যাংরেপ হুয়া হে ইউবতী কা কেহনা হে এবং ইস বিষয় মে জো হে हमारे ही वो वहीं के इधर के ही जो है माल ब्लॉक के ही कुछ लड़का लोग वहाँ पे शामिल है, जिसको माल थाना पुलिस द्वारा जो है 5 लोगों को अरेस्ट किया है, आज कोर्ट भी भेजा गया। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे एज अ समाज सेवी के हिसाब से? सर्वप्रथम जितना भी सोशल मीडिया का जो व्यूअर्स गण है, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और जोहार जानाते हुए मैं यही बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आज दिन ब दिन देखा जा रहा है कि इस तरह से घटना काफ़ी बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब यही मेरे तरफ से एक मेरा जो थॉट है, मेरा जो थिंकिंग है, उसी हिसाब से मैं लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह से जो घटना है जो हो रहा है आज के दिन में, तो ये चीज़ काफ़ी शर्मनाक घटना है और इसको लेके मैं कभी भी कतई सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, अगर इस तरह से अगर वो घटना क्या होगा तो मैं समाज के एक सेवक हिसाब से और समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से कानून व्यवस्था से यही गुहार करूंगा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, जिसके वजह से आगे कोई भी व्यक्ति इस तरह से काम करने से पहले सोचे और ये ना करे। आपका नाम? मेरा नाम है महेंद्र लोहार। सर कल जो माल थाना के अंतर्गत एक गैंगरेप हुआ है जिसमें 5 लोगों को माल थाना से अरेस्ट भी किया गया, तो आज कोर्ट में भी फॉरवर्डिंग किया गया उन लोगों को, क्या हुआ है सर केस को? जी, कल ये कंप्लेंट रिसीव हुआ था, दुखद पूर्ण घटना है। सो इसके तुरंत बाद ही जो रिक्वायर्ड असिस्टेंस है विक्टिम को वो दिया गया है, और इसी केस में इंक्वायरी के दौरान अभी तक 5 अक्यूज्ड जो है, इंक्लूडिंग द मेन प्राइमरी अक्यूज्ड, इनको अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी स्टेप्स है वो फर्स्ट प्रायोरिटी से फॉलो किए जा रहे हैं, और विक्टिम को लेकर जो सपोर्ट नेसेसरी सपोर्ट है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। आशा है कि इस केस में विद ड्यू इन्वेस्टिगेशन हम पूरा करके जो अक्यूज्ड है उनको सजा दिलवा पाएंगे। थैंक यू।